दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घुटनों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों से कट कट की आवाज, हड्डियों की कमजोरी, वात रोग और वात को संतुलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज भारत में लगभग हर 10 में से 5 इंसान ऐसे हैं जो घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं। जब हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू होता है तो उसके बाद हमारी बॉडी का पूरा भार हमारे पीठ पर चला जाता है, कमर पर चला जाता है, जिस वजह से कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह फिर खतरनाक रूप ले सकता है। दोस्तों ये दर्द क्यों होता है, इसके क्या क्या वजह हैं, इसे जानना बेहद ही जरूरी है, तभी हम इसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों घुटनों के बीच में जो कुशन बने होते हैं वो कार्टिलेज लिगामेंट से जकड़े होते हैं। इन कार्टिलेज के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसे लुब्रिकेंट कहा जाता है। जब हम चलते हैं तो ये फ्लूइड जो है वो खत्म होने लगता है, कार्टिलेज भी खिसने लगते हैं और कुशन भी अंदर से खत्म होने लगते हैं, जिस वजह से घुटनों पर कटकट की आवाज आने लगती है, दर्द होने लगता है। जब ये कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाती है तो ये घुटनों का दर्द हमेशा के लिए रह जाता है। उन लोगों के कार्टिलेज या फिर उन लोगों के कुशन जल्दी घिसते हैं जिनके बॉडी में वायु यानी कि वात ज्यादा बनती है। जवानी में वो वायु जो है उस फ्लूइड को लुब्रिकेंट सुखा देती है जिसे वो ड्राई होकर खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से घुटनों के दोनों हड्डियां, दोनों जोड़ जो हैं वो आपस में टकराते हैं, जिसके कारण कट कट की आवाज आती है। और इससे हमें समझ जाना चाहिए कि आगे चलकर घुटनों में दर्द रहने वाला है, जिस कारण घुटनों के दोनों हड्डियां, दोनों जोड़ जो हैं वो आपस में टकराते हैं, जिस वजह से घुटनों में बेहद असहनीय दर्द होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर वात ज्यादा बनती है या फिर जिनको भविष्य में घुटनों में दर्द और गठिया की शिकायत देखनी पड़ सकती है। दोस्तों जो लोग डेली लाइफ में एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं उन लोगों के अंदर वात ज्यादा बनती है। कई लोगों का सिटिंग जॉब रहता है, 8 से 12 घंटे सिर्फ बैठे रहते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती। उन लोगों को घुटनों का दर्द, गठिया की समस्या बुढ़ापे में जरूर होती है। तो दोस्तों अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालें, वॉकिंग, जॉगिंग, जो मन पड़े फिजिकल एक्टिविटी रखिए। दूसरा है दोस्तों अनियमित दिनचर्या, कभी भी कुछ भी बेटाइम खाना पीना, असंतुलित भोजन, भोजन में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की कमी भी घुटनों के बीच में जो लुब्रिकेंट होते हैं उसकी कमी का कारण होता है, घुटनों के दर्द का वजह होता है। दोस्तों जिनके लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, खराब है, खाना टाइम पर नहीं खाते और जब खाते हैं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, तो उनके शरीर में ये वात की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से घुटनों में दर्द रहने लगता है। एक बार जब यह घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है तो उसे ठीक करने में बहुत समय लगता है। जिनके भी जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है उनकी जिंदगी बहुत पीड़ादायक बन जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को, क्योंकि उनके हर काम करने में दिक्कत आने लगती है, दर्द होता है तो चलने फिरने में परेशानी होती है, जिंदगी भयानक लगने लगती है। दोस्तों इससे आराम पाने के लिए पेन किलर का सहारा लेते हैं, सिकाई करते हैं, ऑयल से मसाज करवाते हैं। दोस्तों इसे कुछ टाइम के लिए तो आराम मिलता है लेकिन यह परमानेंट इलाज नहीं है, कुछ समय के बाद फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको बाहरी इलाज के साथ साथ अंदरूनी ट्रीटमेंट भी देना बेहद ही जरूरी है। तो आज मैं आपको ऐसे ही ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या फिर पुराने से पुराना शरीर में हड्डियों का कोई भी दर्द हो उसे दूर किया जा सके। ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनके घुटनों का दर्द बहुत लंबे टाइम से चला रहा है, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। दोस्तों जो हमारे शरीर में वात बिगड़ गया है, जो असंतुलित हो गया है, इसे कैसे सही किया जाए ये भी बताऊंगा। दोस्तों जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ इसको उपयोग से वायु को दूर करने का ये काम करेगा। इसके अंदर बहुत सारी चिकनाहट होती है जो हमारे लुब्रिकेंट को सूखने नहीं देगी और उसके लिक्विड को सूखने नहीं देगी, फ्लूइड को सूखने नहीं देगी। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच पीसा हुआ मेथी दाना डालना है। मेथी दाने को दोस्तों आप कम मत समझो, ये बहुत ही जबरदस्त औषधि है और ये बहुत ही पुराना औषधि है। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसे वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखा था, उन्होंने भी मेथी के बहुत से औषधीय गुण बताए हैं जिसमें ये हड्डियों और जोड़ों के लिए बेहद ही फायदेमंद है, ये डायबिटीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चलिए इसे उपयोग कैसे करना पहले वो देख लेते हैं। पीसे हुए 1 चम्मच मेथी दाने को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। सुबह इस पानी को बॉयल कर लेना है और बिना छाने ही चाय की तरह से सिप सिप करके पी जाना है। करवाहट लगे तो आप एक कम और कर सकते हो, इसमें आप 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हो। शहद आप तभी ऐड करना जब ये ठंडा हो जाए,
गर्म पानी या गर्म चीज़ों के साथ शहद नहीं लेना चाहिए। तो जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर आप सिप सिप करके पी लेना। शहद की जगह आप गुड़ भी मिला सकते हो, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद और गुड़ का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, मेथी में बहुत सारा आयरन होता है जो जोड़ों और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 महीने लगातार करेंगे तो ये हड्डियों का, घुटनों का दर्द जो है वो गायब कर देगा। इसके अंदर बहुत सारी चिकनाहट होती है जो हमारे लुब्रिकेंट को सूखने नहीं देगी और उसके लिक्विड को सूखने नहीं देगी। ये दोस्तों डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको हाई बीपी, डायबिटीज़ है, मोटापे से ग्रस्त हैं तो आप इसे ज़रूर लीजिए। ये वात को संतुलित कर देता है। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो लुब्रिकेंट यानी कि जो फ्लूइड को बनाने का काम करता है। दोस्तों, वो है अलसी। अलसी में भी चिकनाहट बहुत होती है। अलसी में बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो उस लुब्रिकेंट को बनाने का काम करता है। आप रोजाना इन सर्दियों के मौसम में 2 चम्मच अलसी खा सकते हो, यानी कि लगभग 20 ग्राम अलसी सर्दियों के मौसम में आप खा सकते हो। अलसी की तासीर गर्म होती है, ये ध्यान रखना। गर्मियों के मौसम में खा रहे हो तो उसका तरीका मैं दूसरा बताऊंगा। अभी सर्दियों के मौसम में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 से 2 चम्मच अलसी 1 गिलास हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। आप चाहो तो थोड़ी सी मिश्री के साथ अलसी का सेवन कर सकते हो। अलसी को भूनकर सेवन कर सकते हो या फिर ऐसे ही ले सकते हो। अलसी का पाउडर बनाकर भी ले सकते हो। किसी भी तरह से आपको पूरे दिन में 20 ग्राम अलसी का सेवन करना है। सुबह चपाती बनाते होंगे तो उसमें आप अलसी मिला दीजिए, अलसी पाउडर मिलाकर अलसी का सेवन कीजिए। अलसी जो है दोस्तों, इसमें 100 प्रकार के लिग्नेंस पाए जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल औषधि की तरह काम करता है। इसमें इतनी चिकनाहट होती है कि ये हमारे लुब्रिकेंट को बनाने का काम करती है। तो अलसी आपको गर्मी के मौसम में कैसे लेना है जरा ये देख लीजिए। गर्मी के मौसम में आप इसे स्मूदी के साथ ले सकते हो, आप इसे दही के साथ ले सकते हो। लगभग 10 ग्राम, इससे ज्यादा सेवन ना करें क्योंकि अलसी की तासीर बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो गर्मियों के मौसम में आपको 10 ग्राम लेना है दही के साथ, छाछ के साथ, स्मूदी के साथ, और सर्दियों के मौसम में आप किसी भी तरह से ले सकते हो। तीसरी चीज है दोस्तों, लहसुन। लहसुन भी घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए बेहद ही फायदेमंद है। ये हमारे घुटनों की सूजन को दूर करता है, जकड़न को दूर करता है। और चौथी चीज जो है दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे कहते हैं परिजात। परिजात आपके घर के आसपास कहीं लगा हुआ मिल जाएगा। देख लीजिए किस तरह से दिखता है ये। परिजात के बारे में श्री राजीव दीक्षित जी ने भी काफी अच्छे से बताया है। ये घुटनों के लिए बेहद ही फायदेमंद है, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि है। तो आप परिजात का सेवन किस तरह से करेंगे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रेसिपी बता रहा हूँ, उस तरह से सेवन कीजिएगा। आपको सबसे पहले 3 से 4 कली लहसुन लेने हैं, 1 हरी मिर्च लेनी है। हरी मिर्च और लहसुन को आग में थोड़ा सेंक लेना है। अब आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है इसमें, और 4 से 5 पत्ते परिजात के लेने हैं। परिजात के हरे पत्ते लेने हैं, फूल के पत्ते नहीं लेने हैं, परिजात के हरे पत्ते लेने हैं। 4 से 5 साफ किए हुए पत्ते लेने हैं, और इन सभी चीज़ों को मिलाकर मिक्स करके चटनी बना लेनी है। और रोजाना सुबह नाश्ते में बासी रोटी के साथ इसे खाइए। बासी रोटी नहीं हो तो आप ताजी रोटी बनाकर खाइए। बासी रोटी इसलिए कह रहा हूँ कि बासी रोटी जो होती है वो शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और सुबह नाश्ते में इस चटनी के साथ रोटी खाइए, और इसका सेवन रोजाना कीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। आप डेली ताजी चटनी खाएं, ये स्वादिष्ट भी लगेगी। अब जानते हैं कि वात को संतुलित कैसे किया जाए। आपको 2 चीजें बताता हूँ जिससे आपकी वात संतुलित होगी और घुटनों के लिए भी अच्छा रहेगा। सबसे पहला है सूरज की रोशनी लीजिए। रोजाना सुबह 10 बजे से पहले का रोशनी जरूर लीजिए। ठंडे तापमान की वजह से भी लोगों में वात दोष की शिकायत देखी जाती है। दूसरा तरीका है दोस्तों, तांबे के बर्तन में रखा पानी पीजिए। रात को तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए और सुबह इसका सेवन कीजिए। तांबे के बर्तन में रखा पानी पियेंगे तो ये शरीर की अशुद्धियों को दूर करता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी वात रोग से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काफी हेल्प करता है। तो ये 2 चीजें गांठ बांध लीजिए। सूरज की रोशनी लेनी है जिससे विटामिन डी भी मिलेगा और वात दोष भी खत्म होगा, और दूसरा तांबे के बर्तन में पानी पीना है। तो आपको पूरे दिन तांबे के बर्तन में पानी नहीं पीना है, आप रात को 1 लोटा पानी रख दीजिए और सुबह उस पानी को पीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपका 1 लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।